नंबर दो, जैसे कि दिगर हजरात ने भी कहा है, मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, कोई MNA अब इस्लामाबाद में नहीं नजर आना चाहिए, आपको अपने अपने हलकों में होना चाहिए और आपकी तरजीह ये होनी चाहिए कि यूनियन काउंसिल वाइज आप जो आज़ादी, हकीकी आज़ादी मार्च है, उनकी छोटी छोटी मीटिंग, चाहे 50 लोगों की है, 60 लोगों की है, 70 लोगों की है, आप छोटी छोटी मीटिंग्स मुनक्कित करें, उनको व्हाट्सएप पे डालें, अपने हलके में बताएं और उसका पूरा प्रचार करें, मोबिलाइज करें। जलसों पे भी मेरी गुजारिश ये है कि फैसला पार्टी लीडरशिप का है कि जलसों में भी किसी MNA को जो वहाँ के मकामी हैं उसके अलावा वो तवज्जो दे अपने इलाकों पर और वो मोबिलाइजेशन करें। वेस्ट टाइम आपके पास बहुत लिमिटेड है। तीसरी चीज़, जैसे कह चुका अपना असद उमर कह चुके हैं, स्पीकर अगर बुलाए भी सही तो हम में से किसी ने पेश नहीं होना, कोई ज़रूरत नहीं जाने की, हमने जो करना था हमने कर लिया, डिप्टी स्पीकर ने नोटिफिकेशन कर दिया, इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, वी हैव डन अ जॉब। असेंबली में कोई नहीं जा रहा और आज असेंबली की कैफियत आप देख लें कि उनके अपने लोग भी नहीं थे, उनकी अपनी सफ़ों में इतनी मायूसी है कि लोग नहीं थे। मेरी राय में मैं आपसे गुजारिश करूँगा, इंशाल्लाह आपने इलेक्शन लड़ने हैं, मार्क माई वर्ड्स, इस कैंपेन को अपनी इलेक्शन कैंपेन बना लें और आपकी तवक्को से पहले इलेक्शन आ जाएगा, आपकी तवक्को और आपकी तैयारी से पहले इलेक्शन आ जाएगा, इसके लिए आपके पास वक्त नहीं होगा, आप तैयारी कीजिए। और आखिरी बात, दो सूरतें ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपको कंसल्ट करने का हमारे पास टाइम नहीं होगा और मशावरत का। नंबर वन, गॉड फॉरबिड वो इमरान खान को, आपके चेयरमैन को हाउस अरेस्ट करते हैं या गिरफ्तार करते हैं, नज़रबंद करते हैं, तो फिर मशवरा नहीं होना, क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने अपने अपने ज़िले में एक्टिवेट हो जाना है। और एक्टिवेट क्या होना है, जो जरताज ने इशारा किया, एक्टिवेशन वही है, हर ज़िले को आपने, हर तहसील को, अपने हलकों को आपने फिर इस्लामाबाद बना देना है। इंतज़ार नहीं करना कि लीडरशिप ने हमें बताया नहीं है, लीडरशिप ने हिदायत नहीं दी, हिदायत आ चुकी है, आपको कन्वे कर रहे हैं कि हर हलका, हर ज़िला, हर तहसील जो है उस पे आपने एक्टिवेट हो जाना है, अगर पहले किया। और अगर जलसे वाले दिन, जो जिस दिन कॉल की डेट आती है, कंटेनर्स रखते हैं, रुकावट डालते हैं, तो फिर भी आपने अपने अपने इलाकों में जो करना है, अब सियासी लोग हैं, समझदार लोग हैं, मैं ज़्यादा उसकी वजाहत नहीं करना चाहता, वक्त पे हो जाएगी, बट प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। इंतज़ार ना कीजिएगा, हमें किसी ने नहीं बताया, बता रहे हैं आपने क्या करना है, अब सियासी लोग हैं और आपने सियासी अमल करना है। शुक्रिया।